अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपने पूरे घर का लोड चलाने के लिए अब महंगे इन्वर्टर, बैटरी या सोलर पैनल की आवश्यकता नहीं है, आपके घर के पूरे लोड चलेंगे इस 2 किलोवाट के सबसे लेटेस्ट सोलर टेक्नोलॉजी के इस सबसे सस्ते पैक से आपके घर के सारे लोड चलेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये सोलर सिस्टम आपके बजट में कंप्लीटली फिट बैठने वाला है। जो लोग भी इकोनॉमिकल थोड़ा सा वीक हैं और कम बजट में अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम है ऑफ ग्रिड सिस्टम और इस सिस्टम के अंदर सबसे पहला फीचर आपको ये मिलता है कि आप बिजली का कनेक्शन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, आप बिजली का कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं तो आपको ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बिजली का कनेक्शन ही रखना पड़ेगा। जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम आजकल सब्सिडी वाले बहुत सारे सिस्टम आप देखते हैं तो उसमें बाध्यता ये है कि आपको बिजली का कनेक्शन रखना पड़ेगा। अगर 2 किलोवाट आपने सेंक्शन लोड आपका है तो 2 ही किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा और अगर बिजली नहीं है तो आपका सोलर सिस्टम हो जाएगा बंद। इस सिस्टम में आपको ये कंप्लीट फ्रीडम मिलता है कि अगर आपको कुछ लोड ऐसे हैं कि रात में आपका बैटरी बैंक आपको छोटा लगाना है और रात में आपको अपना कुछ लोड चलाना है बिजली से, तो आप ग्रिड भी रख सकते हैं, ग्रिड मतलब बिजली भी आप रख सकते हैं। और आपको यह है कि साहब मेरे को तो 100% ग्रिड फ्री होना है, मेरे को तो चाहिए ही नहीं बिजली, तो ये सिस्टम कंप्लीटली आप ऑफ ग्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं कि जो इस सोलर सिस्टम को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस सिस्टम को वो लोग ले सकते हैं जिनके पास 1 टन से लेकर 1.5 टन का सोलर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, वो अपने सोलर एयर कंडीशनर को चलाना चाहते हैं। दूसरे वो लोग ले सकते हैं कि जिनके पास 1 HP का समरसेबल पंप है, उनको अपना समरसेबल पंप चलाना है। तीसरा वो लोग जिनके यहाँ पे एक इंडक्शन चूल्हा चलता है, 3-4 पंखे हैं, 1-2 रेफ्रिजरेटर हैं, तो वो लोग भी ले सकते हैं। अगर मैं यूनिट में बात करूँ आपसे तो ऐसे लोग जिनका 24 घंटे का पावर कंजप्शन 10 से 12 यूनिट का है, ऐसे लोग इस सिस्टम को ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कितनी जगह की जरूरत आपको पड़ने वाली है इस सिस्टम को लगवाने में। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को लगवाने में मात्र आपके घर की छत की 100 स्क्वायर फीट जगह की ही आवश्यकता पड़ने वाली है। मात्र 100 स्क्वायर फीट जगह में आप ये वाला सिस्टम लगवा सकते हैं। आपका अगला सवाल होगा कि इस सिस्टम में क्या कोई रेगुलर मेंटेनेंस है या फिर उसको क्लीनिंग की आवश्यकता है। तो इस सिस्टम को कोई रेगुलर क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं है और इस सिस्टम का कोई रेगुलर मेंटेनेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि ये सिस्टम में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आपको खरीदना है, उसकी कितनी वारंटी है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी कीमत है, क्या क्या फीचर्स हैं। तो 1 by 1 मैं आप लोगों को बताता हूँ पैक में आपको क्या क्या मिलने वाला है और इस पैक को मैं आपको लाइव लोड टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। आप मेरे पीछे AC देख रहे हैं, सामने आप लोड बैंक देख रहे हैं। तो ये सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है कि आपने शायद आज तक अपनी लाइफ में इतना पावरफुल सिस्टम नहीं देखा होगा। तो कहीं से भी वीडियो आप स्किप ना करें, बहुत मीनिंगफुल आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है, तो कंटिन्यू वीडियो में आप बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको ये 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना है तो इसमें सबसे जो मैंडेटरी चीज है वो है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में आज की डेट में 3 टेक्नोलॉजी प्रचलित है, मोनोपर्क एन टाइप बायफेशियल या फिर M10 टेक्नोलॉजी। तो मैंने अपने सामने ये दोनों ही पैनल लगवाए हुए हैं, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है 575 वॉट का N टाइप बायफेशियल पैनल। 30 साल आपको इस पैनल पे वारंटी मिलती है और इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं, ये है नेक्सस का 580 वॉट का M10 N टाइप बायफेशियल पैनल। तो दोनों पैनल का आप साइज वाइज देखें या लुक वाइज देखें तो दोनों पैनल आपको सेम से आपको बिल्कुल दिख रहे होंगे, पर दोनों की जो सेल हैं, जो इसके अंदर सेल लगा हुआ है, दोनों के सेल में अंतर है। इस वाले पैनल में सेल लगा हुआ है N टाइप मोनोपर्क बायफेशियल टेक्नोलॉजी का, इस वाले पैनल में सेल लगा हुआ है M10 जर्मन सेल्स इस पैनल के अंदर यूज किया गया है। और इसके साथ एक तीसरा ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, 555 वॉट का पैनल है, नॉर्मल जो मोनोपर्क पैनल होते हैं वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो तीनों पैनल में फर्क क्या है, अगर 555 वॉट की मैं आपसे बात करूं तो आपको 1 किलोवाट का पैनल 555 वॉट का करीब 4 से 4.5 यूनिट आपको देता है। अगर कीमत की मैं बात करूं तो सबसे सस्ती कीमत पे आपको मिल जाएगा, आगे वीडियो में मैं इनकी कीमत भी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं आपको N टाइप बायफेशियल पैनल की, जो हमारा 575 वॉट का पैनल है, तो यहाँ पे आपको 5 यूनिट से 5.5 यूनिट तक 1 किलोवाट से मिल जाएगा। और अगर मैं M10 टेक्नोलॉजी की बात करूं आपसे,
580 वाट, तो करीब 5.5 यूनिट से 6 यूनिट तक आपको पर किलोवाट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कहानी वही है, अगर महंगा पैनल है तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा है और अगर सस्ता पैनल है तो उसका प्रोडक्शन कम है। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे होगा कि साहब साल में 365 दिन तो धूप होती नहीं, तो उस टाइम पे हम अपना लोड कैसे चला पाएंगे। कई बार बारिश का मौसम रहता है, कई बार कोहरा होता है, धूप होती है, धुंध होती है, तो किस तरह हमारा लोड चल पाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया हुआ है इस पैनल को, 580 वाट के पैनल को मैंने टेस्ट करके दिखाया हुआ है और भयानक कोहरे में भी ये पैनल काम कर रहा था। तो इस पैनल का प्रोडक्शन साल के 365 दिन आप जीरो नहीं कर सकते हैं। रही बात इस बात की कि नॉर्मली आप इस पैनल से आप लेते हैं, 1 किलोवाट का पैनल आपको 5 यूनिट बना के दे रहा है, पर ऐसा हो सकता है कि जब मौसम खराब होगा, खराब वाले मौसम में आपको ये 5 यूनिट ना बना के देगा, आधा यूनिट बना के देगा या 1 यूनिट बना के देगा, पर पैनल का प्रोडक्शन जीरो नहीं हो सकता है। तो जब मौसम खराब है और आपके पास में सोलर पैनल के अलावा और दूसरा सोर्स नहीं है, तो उस टाइम आपको अपने लोड उसी तरह चलाने पड़ेंगे। लाइक आप उस टाइम पे अपना फैन चला सकते हैं, अपनी लाइट चला सकते हैं, आपको एसी नहीं चलाना है, आपको कूलर नहीं चलाना है, तो उस तरीके से आपको उस टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा जिस टाइम पे आपका मौसम खराब है। तो इस ऑफर पैक में मैं दोनों के साथ ही आपको ऑफर पैक बताऊंगा, बहुत कम बजट वालों के लिए भी और जिनका थोड़ा एवरेज बजट है उनके लिए भी। तो दोनों ही पैक में आपको नंबर ऑफ पैनल मिलेंगे 4, चाहे 575 वाट के ले सकते हैं, चाहे तो आप 580 वाट के ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो इस सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसकी बात करते हैं। तो इंडिया में आपने बहुत सारे इन्वर्टर्स देखे होंगे और आपके घर पे भी इन्वर्टर लगा होगा। पहली बार आपको इंडिया में ऐसे इन्वर्टर से मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं कि ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। बट ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.8 का। तो नॉर्मली आप अगर इन्वर्टर देखेंगे, 5 kVA का आप इन्वर्टर लेंगे तो 4 kW का इन्वर्टर होता है और कई जगह कई सारी कंपनियां पावर फैक्टर 0.6 और 0.7 का भी देती हैं। तो अगर पावर फैक्टर 0.6 का है तो वही 5 kVA का इन्वर्टर आपका 3 kW का इन्वर्टर हो जाता है। तो इसको आप लॉस भी बोल सकते हैं कि 5 kVA का इन्वर्टर है पर 4 kW अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है तो इसका मतलब कि 20% का वो इन्वर्टर लॉस करता है। तो ये लिमिटेशन है ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी की कि ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में लॉस होना ही होना है। पर फ्रेंड्स अगर मैं आपको ये सामने अपना ये पीसीयू दिखाऊं और इसमें मैं कहूं कि लॉस आपको ऑलमोस्ट जीरो के निकट पहुंचाने की हमने इसके जो लॉसेस हैं उनको कोशिश की है, और अगर इसके पावर फैक्टर को मैं 0.95 बोलूं तो शायद आपको यकीन ना आए, पर मैं आपको लाइव इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में भी ये इन्वर्टर इतना पावरफुल हो सकता है कि जिस इन्वर्टर से आपके जो लॉसेस हैं वो आपके मिनिमम हो जाएंगे। ये इन्वर्टर आप यकीन करेंगे 2 kVA का ये इन्वर्टर 2 kW बन जाता है। और कैपेबिलिटी की बात करूं तो आप जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये इन्वर्टर 2 kW का ही इन्वर्टर आपका एयर कंडीशनर भी चला सकता है। तो सब कुछ चला के देखेंगे। बहुत सारी कंपनियों के आपने इस तरह के इन्वर्टर देखे होंगे, 2.5 kVA का इन्वर्टर है पर 1400 वाट से ज्यादा लोड लिफ्ट नहीं करता है, तो वहां पर लॉसेस बहुत ज्यादा है। तो कभी भी जब भी आप इन्वर्टर बाई करें तो आप देखें कितने केवीए का इन्वर्टर है और कितने किलोवाट का लोड लेता है। तो जितना ज्यादा इनके अंदर गैप होगा उतना ही इन्वर्टर वो ज्यादा आपके लॉस कर रहा होगा। तो ये इन्वर्टर को हमने ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में बनाया है और इस इन्वर्टर में आपको मिनिमम लॉस देखने को मिलते हैं। पीछे से फ्रेंड्स मैं आपको इस इन्वर्टर को दिखाऊं तो आप देखें कि आपको यहाँ पे एक बाईपास स्विच मिलता है जो कि आपके सिस्टम को फेलियर होने की कंडीशन में अगर आप बाईपास पे लगा देंगे तो आपकी जो ग्रिड आ रही है वो ग्रिड से आपका लोड चल जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। इस बटन का मतलब यह है कि आप लेड एसिड बैटरी चाहें लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, और अगर आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी चाहें तो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत सारी लिथियम फॉस्फेट की बैटरियों में सॉफ्ट स्टार्ट की आवश्यकता होती है, तो इस बटन से आप सॉफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देख रहे हैं सोलर के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड एमसीवी दी गई है, एमसीवी बैटरी के लिए दी हुई है, मेंस के लिए एमसीवी दी हुई है और मेंस के आउटपुट के लिए यहाँ पे एमसीवी दी हुई है। इसका मतलब यह है कि आपको अलग से एसीडीबी में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इस इन्वर्टर को आप सीधा लगा सकते हैं। अगर आपके घर पर अर्थिंग हो रही है तो आप अर्थिंग का एक वायर इन्वर्टर के अंदर लगा दीजिए और इसके बाद में आपका जो एसीडीबी का खर्चा होता है वो एसीडीबी का खर्चा आपका बच जाएगा।
अगर मैं आपसे सेटिंग की बात करूं तो इस इन्वर्टर में आप सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं कि आपका लोड सोलर से चले, सेकंड प्रायोरिटी पे आप सोलर प्लस बैटरी से लोड चलाना चाहते हैं या फिर सोलर प्लस ग्रिड से लोड चलाना चाहते हैं, तो जो भी प्रायोरिटी आपको चाहिए उस प्रायोरिटी आप इसमें रख सकते हैं इन्वर्टर में। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं, तो आप जैसे सामने देख रहे हैं आपको कोई भी इसमें सेटिंग करनी है तो आप मेन्यू के थ्रू आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में आप जो सेटिंग आपको करनी है, पीसीयू सोलर प्रायोरिटी आपको करना है, इन्वर्टर या फिर यूपीएस मोड पे आपको इसको रखना है, बैटरी में आपको लिथियम बैटरी इसमें लेनी है या फिर आपको लेड एसिड बैटरी लगानी है, बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज चार्जिंग करंट आपको सेट करना है, तो ये सारे फीचर्स आपको इस पीसीयू में देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाऊं आपको फ्रेंड्स, तो आप अगर 100 केजी के भी हैं और इसके ऊपर इन्वर्टर के ऊपर बैठ जाएंगे तो भी इस इन्वर्टर को कुछ नहीं होने वाला है, इतना इसकी हैवी कैबिनेट हम लोगों ने बनाई है। और अगर मैं साइज की बात करूं तो आप देखें बराबर में लेड एसिड बैटरी मेरे लगी हुई है और लेड एसिड बैटरी से भी करीब 6 इंच बड़ा इसका साइज है, और अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो लेड एसिड बैटरी के साइज से भी इन्वर्टर का साइज बड़ा है। तो इसका साइज बड़ा होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि साइज ही बड़ा है, इसका ट्रांसफॉर्मर भी बड़ा है, इसकी आईजीबीटी भी बड़ी है और इसके अंदर प्रीमियम क्लास के कंपोनेंट यूज हुए हैं जिससे इस इन्वर्टर के फेल होने का खतरा अधिकतम 1% रह जाता है। तो मतलब मिनिमम इस इन्वर्टर के फेल होने के चांसेस हैं। बिल्ड क्वालिटी आपने देखी, इतनी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है, 2 किलोवाट के इन्वर्टर में आपको इंडिया में इतनी प्रीमियम क्लास की इतनी बिल्ड क्वालिटी का आपको इन्वर्टर कहीं किसी दूसरी कंपनी का नहीं मिलने वाला है। नेक्सस इंडिया में सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है और हम लोग प्रीमियम क्वालिटी के ही प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके साथ ही जो तीसरी बात है वो है बैकअप, कि अब आपको बैकअप भी चाहिए, रात में आप अपना लोड कैसे चलाएंगे, तो बैकअप के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन हो जाते हैं। एक ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये लेड एसिड बैटरी है, C10 बैटरी, और एक दूसरा ऑप्शन में आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये है लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी भी आप ले सकते हैं और लिथियम फॉस्फेट की बैटरी भी आप ले सकते हैं। लेड एसिड की अगर आपको बैटरी लेनी है तो 2 बैटरी आपको लेनी है और लिथियम की आपको बैटरी लेनी है तो 1 बैटरी पे ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप लेड एसिड बैटरी लेना चाहते हैं तो आपको लेड एसिड बैटरी क्यों लेनी चाहिए, तो आपको लेड एसिड बैटरी के साथ में इसलिए जाना चाहिए कि लेड एसिड बैटरी की कीमत होती है कम, दूसरा उसकी आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाती है। अगर आपको लेना है तो आप इस वजह से ले सकते हैं लेड एसिड बैटरी, अगर आपको नहीं लेनी है तो इस वजह से नहीं लेनी है कि ये बैटरी, अगर आपको मैं टेक्निकल समझाऊं फ्रेंड्स, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 14 वोल्ट तक चार्ज होती है और 150 AH की बैटरी है। तो अगर किसी भी बैटरी का वॉट निकालेंगे तो फार्मूला है P=VI, मतलब पावर जो होती है वोल्ट इंटू एम्पियर होती है। तो बैटरी में जो इसमें नॉमिनल वोल्ट हो जाते हैं चार्जिंग के बाद में, तो 12.5 वोल्ट हो जाते हैं, तो 12.5 वोल्ट इंटू 150 AH 1800 वाट से ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी हो जाती है। पर जब आप 400 वाट के लोड पे इस बैटरी को ड्रेन करेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी सिर्फ आपका 2 से 2.5 घंटे ही चलती है। इसका मतलब यह है कि 1800 वाट की बैटरी ने आपको बैकअप दिया कितना, 2 से 2.5 घंटे 400 वाट के लोड पे, तो मतलब 1000 वाट का आपका बैकअप दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 50% जो एनर्जी है वो आपकी वेस्टेज हो जाती है। पर अगर इसी बैटरी को आप 150 वाट पर घंटे के हिसाब से चार्ज करेंगे तो फिर ये बैटरी आपको ज्यादा आउटपुट दे सकती है, 60 से 70% भी आउटपुट दे सकती है। पर नॉर्मली 150 वाट एक बैटरी से लोड चलाना, 300 वाट 2 बैटरी से लोड चलाना, वो प्रैक्टिकली यूज में नहीं होता है। आपके घर पे समरसेबल आपको चलाना है तो समरसेबल 700-800 वाट लेगा, फ्री AC चलाना है उसका लोड भी ज्यादा होता है, फ्रिज चलाना है उसका लोड भी ज्यादा होता है। तो नॉर्मली 400 वाट के आसपास का लोड एक बैटरी पे चलाया जाता है। अगर लेड एसिड की बात करें तो उस टाइम पे ये बैटरी आपको 50% तक इसकी एनर्जी है उसमें आपको वेस्टेज देखने को मिलता है। अब ये वेस्टेज आपको देखने को कहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको इस बैटरी में देखने को नहीं मिलेगा। अब ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है, 25.6 वोल्ट की ये बैटरी आप मेरे सामने देख रहे हैं। अब साइज में बात करूं तो एक बैटरी जितनी बड़ी है उससे जस्ट आधा साइज इस बैटरी का है। पहली बार आपको 15 साल की वारंटी इस बैटरी पे मिलती है, पहले 3 साल में आपकी बैटरी खराब हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैटरी चेंज हो जाएगी। अगले 15 साल में अगर आप इस बैटरी को आप बदलना चाहें तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आप इस बैटरी को बदल सकते हैं, और 15 साल के बाद भी करीब 25% के आसपास इसकी स्क्रैप वैल्यू रह जाती है। तो लिथियम बैटरी की आपको पहली बार स्क्रैप वैल्यू भी मिलती है। तो अगर आप लेड एसिड बैटरी को इस वजह से लेना चाहते हैं कि लेड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू मिलती है, तो आपको लिथियम फॉस्फेट की भी स्क्रैप वैल्यू मिलती है। और अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है और आप एक इकोनॉमिक सॉल्यूशन चाहते हैं कि भाई हर रोज मेरा 50% का नुकसान ना हो, एक बैटरी आपका एक यूनिट का नुकसान कर रही है तो 2 बैटरी आपने लगाई हुई है तो 2 यूनिट हर रोज का नुकसान, 10 रुपये यूनिट भी लगाओ तो 20 रुपये रोज का नुकसान, और महीने में 600 रुपये महीने का आपका नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान अगर आपको बचाना है तो आप लिथियम फॉस्फेट पर जा सकते हैं। अब बात दोनों में क्या है कि दोनों की प्राइसिंग में अंतर है। लेड एसिड से ऑलमोस्ट डबल
लिथियम बैटरी की प्राइसिंग होती है, पर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरी डेडिकेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी तरीके से लिथियम फॉस्फेट बैटरी को एक्सप्लोर किया हुआ है, और एक वीडियो में मैंने लेड एसिड प्लस लिथियम फॉस्फेट की बैटरी को कंपेयर करके भी दिखाया हुआ है। तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस बैटरी को आपको अपने घर में लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे इसकी प्राइसिंग बताने से पहले मैं आपको इस इन्वर्टर की लोड लिफ्टिंग दिखा देता हूँ कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल 2kVA का। तो फ्रेंड्स अब आप लोड टेस्टिंग देखें और आपको समझ आएगा कि आपका जो इन्वर्टर एसी है 1 टन से 1.5 टन का वो अधिकतम 1600-1700 वाट से ज्यादा नहीं जाता है, और 1 टन का आपने अगर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर भी लिया हुआ है तो वो भी आपका 1200 वाट से ऊपर नहीं जाता है। तो आपको इस इन्वर्टर की मैक्सिमम लोड लिफ्टिंग मैं आपको करके दिखाता हूं। तो आप ये देखें फ्रेंड्स कि मैंने कोई और सोर्स यूज नहीं किया है, ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी ये मैंने लगाई हुई है। आप देखें ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लग रही है, और इसके साथ ही आउटपुट के लिए 2 वायर हमने ये निकाले हुए हैं, और ये 2 वायर हमारे सामने जो हमारा लोड बैंक है उसमें जाके लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सामने से मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया और ये आप सामने लोड बैंक देख रहे हैं, तो वहाँ पे लोड बैंक पे लोड बढ़ेगा, और वहाँ पे लोड बैंक में फिजिकली आप देखें वहाँ पे लोड बढ़ गया, और यहाँ पे पीसीयू में भी आपको दिखेगा, तो आप डिस्प्ले पे भी देख पा रहे होंगे 400 वाट के आसपास का लोड, और धीरे धीरे मैं इसका लोड बढ़वाता हूँ, तो आप देखें वहाँ फिजिकली भी आप देखें वहाँ पे लोड आपका यहाँ पे लोड बढ़ रहा है, और इसके साथ ही मैं आपको इसकी डिस्प्ले भी दिखाऊंगा, तो ये वहाँ पे धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देखें 1056 वाट का 1100 वाट, और मैं धीरे धीरे लोड बढ़ा रहा हूँ 1262 वाट, आप देखें 1950 वाट 2003 वाट पे सिस्टम ओवरलोड शो कर रहा है, 1092 वाट, कुछ लोड कम करवा देता हूँ 100 वाट का, तो ये देखें ये 1940 वाट रेगुलर यहाँ पे लोड चल रहा है 1960 वाट, और फिजिकली भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्लैंप मीटर भी लगा के दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये आप क्लैंप मीटर लगा के देखें, पहले इसको एक क्लैंप मीटर मैं आपको दिखवा दूं, आप देखें 7.86 एम्पियर का लोड, करीब 8 एम्पियर का लोड, 7.94 करीब 8 एम्पियर का लोड 230 वोल्ट पे। इसके साथ ही मैं आपको फिजिकली भी दिखा देता हूँ, आप फिजिकली आप देखें 1 किलोवाट का हीटर, और इसके साथ ही 9 बल्ब यहाँ पे आप देखें 9 बल्ब यहाँ पे जल रहे हैं। तो ये पूरा लोड एक बार फिर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसकी डिस्प्ले में आप देखें पूरा लोड अनइंटरप्टेड चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, 1900 वाट का लोड आप देख रहे हैं, 1900 वाट का लोड चल रहा है। तो 2kVA का ये इन्वर्टर है, और 1960 वाट का लोड आराम से चलाया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कहना ये होगा कि साहब आपके सिस्टम महंगे होते हैं। मेरे भाइयों सिस्टम इसलिए महंगे होते हैं, प्रीमियम क्लास क्वालिटी का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है इसलिए महंगा होता है। 2kVA के सोलर सिस्टम से आप 1400 वाट का लोड भी पूरी तरीके से लिफ्ट करेंगे, अगर कंटिन्यू लिफ्ट कर लिया तो इन्वर्टर जल जाएगा। यहाँ पे 1900 वाट का मैंने आपको लोड लिफ्ट करके दिखा दिया। तो अगर आपको एक प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट चाहिए तो फिर इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं हो सकता, और पावर फैक्टर आप खुद निकाल सकते हैं कि 2kVA के इन्वर्टर पे यहाँ पे 2 किलोवाट का हम लोग लोड आराम से चला पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं आपको कीमत बता दूं कि ये पैक की कीमत कितनी आपको पड़ने वाली है, और यकीनन इस पैक की कीमत सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट आप जरूर करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स एक 2kVA का ये हमारा देवसोल सीरीज का PCU 4575 वॉट के बाइफेशियल पैनल, 2C10 की ये वाली लेड एसिड की बैटरी, अगर आपको लेड एसिड बैटरी के साथ में लेना है तो 2 बैटरी आप ये C10 की ये बैटरी ले सकते हैं। इस बैटरी की वारंटी पहले 3 साल में कंप्लीटली फ्री है, और अगले 2 साल में अगर आप इस बैटरी को बदलना चाहें तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आप इस बैटरी को बदल सकते हैं, मतलब 5 साल के अंदर इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू 50% है, जो कि इंडिया में किसी दूसरी बैटरी में आपको नहीं मिलने वाली है। तो टोटल पैक हो जाता है 101,900 रुपये का, 12% अगर GST इस पे लगा दें तो 114,000 रुपये में आपको 2 किलोवाट का सिस्टम मिल जाता है, एन टाइप बायफेशियल पैनल जिसकी 30 साल वारंटी है, 575 वाट का पैनल, ये वाला PCU और 2 बैटरी, ये इससे सस्ता पैक आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी कंपनी का नहीं मिलेगा। अगर इसी पैक को आपको बैटरी बदलनी है, आपको बैटरी पैनल आपको 575 वाट का ही लेना है और बैटरी आप लिथियम फॉस्फेट की लेना चाहें तो ये 2 बैटरी के बजाय आप ये वाली बैटरी ले सकते हैं। तो टोटल पैक की कॉस्ट बैठ जाती है 130,000, और अगर इस पर GST लगा दें तो 145,712 रुपये में आपको ये वाला पूरा पैक मिल जाता है, बैटरी चेंज होकर लिथियम फॉस्फेट की बैटरी आपको मिल जाती है। अब कुछ लोगों का ये होगा साहब हमें तो बिल्कुल प्रीमियम क्लास ही चाहिए, तो प्रीमियम क्लास के लिए आप 580 वाट का पैनल ले सकते हैं, और 580 वाट के पैनल को 2 लेड एसिड बैटरी के साथ में अगर मैं बात करूं तो 123,240 रुपये प्लस GST, और GST इस पे लगा दूं तो 138,000 रुपये में
ये वाला पैक आपको मिल जाता है 4-500 सीवट के पैनल, दो बैटरी C10 की और एक ये वाला सोलर PCU। और इसी पैक को अगर आपको लेड एसिड बैटरी नहीं लेनी है, लिथियम फॉस्फेट के साथ में जाना है, तो 151,440 रुपये बिना GST और 12% GST इस पे लगा दें तो 169,612 रुपये में आपको ये वाला 2 किलोवाट का पैक पड़ने वाला है। वीडियो के लास्ट करते करते एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहूँ, बहुत सारे लोग हमारी नेक्सस की लोकप्रियता से जल के षड्यंत्र हमारे खिलाफ कर रहे हैं, जिसमें कंपनी के लिए उल्टा सीधा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कोई सर्विस को लेके बात कर रहा है, सर्विस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे लोगों के पास में अपना कुछ नहीं है, उनका सिर्फ एक धंधा है कि YouTube पे उनका वीडियो चले, उन्हें झूठ बोलना पड़े, कितना भी भयानक झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अल्टीमेटली उन लोगों को व्यूज ही चाहिए। नेक्सस देश की प्रतिष्ठित कंपनी है जिसका वर्ल्ड क्लास सर्विस और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देने के लिए नेक्सस जानी जाती है, तो कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। 1100 डीलर्स का नेटवर्क नेक्सस के पास इंडिया में है और इसके अलावा 8 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको कहीं कोई डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है किसी भी नेक्सस के प्रोडक्ट को बाइक अगर आप करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलता है अगली वीडियो।